इग्नेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहुकाल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार, मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। मौन से कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है तो मुस्कान से कई मसलों का हल अपने आप निकल आता है। आज की तारीख 14 अक्टूबर 2022, आज का वार शुक्रवार। आज कार्तिक माह का पांचवा दिवस है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी 4:52 अगले दिन सुबह तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज के सूर्योदय का समय है 6:21 सुबह। सूर्यास्त का समय 5:53 शाम को रहेगा। आज चंद्रोदय 8:52 शाम पर होगा और चंद्रास्त 10:30 सुबह पर होने वाला है। आज चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान है। आज सूर्य कन्या राशि में है और आज का सूर्य नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। आज चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में 8:47 शाम तक रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में संचरण करेंगे। आज का पहला करण कौलव 3:56 दोपहर बाद तक रहेगा। आज का दूसरा करण तैतिल 4:52 अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। तदुपरांत गर करण प्रारंभ होगा। आने वाले व्रत और त्योहारों की सूची में 14 तारीख को रोहिणी व्रत, 17 तारीख को कालाष्टमी, अहोई अष्टमी, राधा कुंड स्नान और तुला संक्रांति होगी। 21 तारीख को रमा एकादशी व्रत रखा जाएगा। आज का योग व्यतिपात 1:58 दोपहर तक रहेगा। इसके बाद वरियान योग प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं आज के व्यतिपात योग के बारे में। इस योग में किए जाने वाले कार्य से हानि ही होती है। एक कारण ही इस योग में किए गए कार्य से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी का भला करने पर भी आपका या सामने वाले व्यक्ति का बुरा हो सकता है। व्यतिपात योग के साथ जन्म लेने वाले लोग वाद विवाद और तर्क वितर्क में शीघ्र ही शामिल हो जाते हैं। व्यतिपात योग में जन्म से आप एक भव्य और असाधारण रूप से पैसा खर्च करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। आप स्वभाव से अस्थिर, चिंतित और कठोर स्वभाव के व्यक्ति हैं। आइए जानते हैं आज की दिशा शुल्क के बारे में। जिन व्यक्तियों की चंद्र राशि मिथुन, तुला और कुंभ है, ऐसे लोगों को पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिशा में है दिशा शूल। यदि आवश्यक हो यात्रा करना, तब दही, शक्कर, जौ और राई का सेवन करके यात्रा प्रारंभ करें। आज का शुभ समय आज का अभिजीत मुहूर्त 11:44 सुबह से 12:30 दोपहर तक रहेगा। आज विजय मुहूर्त का समय है 2:03 दोपहर से 2:50 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:40 सुबह से 5:29 सुबह तक। आज का अशुभ समय आज का राहुकाल 10:40 सुबह से 12:07 दोपहर तक रहेगा। आज यमगण काल का समय 3 बजे दोपहर से 4:26 तक रहने वाला है। राहुकाल और यमगण काल दोनों ही अशुभ समय है, इसलिए कोई भी शुभ और नया कार्य और मांगलिक कार्य इस समय में शुरू ना करें। आइए जानते हैं आज दीपावली के लिए कुछ विशेष उपाय। दिवाली के दिन काली मिर्च के कुछ दाने, ओम क्लीम बीज मंत्र का जाप करते हुए परिवार के सदस्यों के सिर पर घुमाकर दक्षिण दिशा में घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से शत्रु शांत हो सकते हैं। आज के कुछ शुभ योगों में से अमृतकालम योग 5:18 शाम से 7:03 शाम तक रहेगा।
आज गोधूलि का समय 5:41 शाम से 6:05 शाम तक रहने वाला है। आइए जानते हैं आज के दिन का चौघड़िया। आज चर समय है 6:20 सुबह से 7:48 तक। लाभ समय 7:48 सुबह से 9:14 सुबह तक रहेगा। अमृत समय 9:14 सुबह से 10:40 तक रहने वाला है। शुभ समय 12:07 दोपहर से 1:34 दोपहर तक शुभ समय रहेगा। चर समय 4:26 शाम से 5:53 तक रहने वाला है। रात्रि के चौघड़िए में लाभ समय 9 बजे रात्रि से 10:34 तक रहेगा। शुभ समय 12:07 मध्य रात्रि से 1:41 तक रहेगा। अमृत समय की बात करें तो 1:41 अगले दिन सुबह से 3:14 तक अमृत समय रहेगा और चर समय 3:14 अगले दिन सुबह से 4:48 तक रहने वाला है। ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।